अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध में क्लस्टर बमों को उतार दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने की सिफारिश की थी, लेकिन पश्चिम के कई देश क्लस्टर बमों की सप्लाई की आलोचना भी कर रहे हैं। मगर यूक्रेन लंबे समय से अमेरिका से क्लस्टर बम मांग रहा था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या क्लस्टर बम रूस के खिलाफ जंग में निर्णायक साबित हो सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आपको क्लस्टर बमों के बारे में जानना होगा कि आखिर ये होते क्या हैं। क्लस्टर बम कई बमों का एक गुच्छा होता है, जिसमें से हमला करने पर कई बम निकलते हैं और विस्फोट होता है। लेकिन कई बार सारे बमों में विस्फोट नहीं होता और आम नागरिकों के संपर्क में आने पर ये फट जाते हैं, जिससे आम लोगों को भी नुकसान होता है। इसलिए दुनिया के 120 से ज्यादा देशों ने क्लस्टर बम पर बैन लगाया हुआ है। हालांकि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब उस वक्त रूसी सेना ने यूक्रेन पर इन्हीं क्लस्टर बमों से हमला किया था। आपको बता दें कि क्लस्टर बम को रॉकेट लॉन्चर, तोप, मिसाइल या हवाई जहाज से फायर किया जा सकता है। एक खास ऊंचाई पर जाने के बाद क्लस्टर बम का खोल फट जाता है और अंदर से कई छोटे छोटे बम टारगेट इलाके में बिखर जाते हैं, और इन बमों में टाइमर होता है और जैसे ही टारगेट इन बमों के करीब पहुंचता है, ये फटने लगते हैं। क्लस्टर बम से टैंकों को ज्यादा नुकसान होने का खतरा रहता है। कहा जाता है कि क्लस्टर बम जिस इलाके में भी गिराया जाता है, वहां नुकसान काफी ज्यादा होता है। और बड़ी बात यह है कि दुनिया में क्लस्टर बम का इस्तेमाल सबसे पहले रूस और जर्मनी ने किया था, और अमेरिका ने यूक्रेन को जो क्लस्टर बम दिए हैं, उनमें से हर एक क्लस्टर बम में से 88 छोटे बम निकलते हैं। हर छोटा बम करीब 10 वर्ग मीटर एरिया पर हमला करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लस्टर बम 7 एकड़ इलाके में तबाही मचा सकता है। और बड़ी बात यह है कि अमेरिकी क्लस्टर बम इतने ताकतवर हैं कि इनसे टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों का मेटल तक फट जाता है। क्लस्टर बम से निकला छोटा बम टैंक को बर्बाद कर सकता है, और अगर ऐसे छोटे 10 बम टैंक पर लग गए तो टैंक पूरी तरह तबाह हो जाएगा। और यही वजह है कि क्लस्टर बम एक जगह डेरा डाले हुए पैदल सेना के लिए काफी खतरनाक होते हैं। यहाँ तक कि ये बंकरों में पोजीशन लिए हुए या फिर कवर लिए हुए सैनिकों को भी एक झटके में उड़ा देते हैं।